आज क्लास के साइंस में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे, कब रासायनिक समीकरण के बारे में लिखते, आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखा कैसे। तो हम आपको बता दें कि कल की स्पीच में बताया था अभिकर्मक और उत्पाद तथा रासायनिक अभिक्रय क्या होता है। आज हम बताया कभी कहते कि जो अभिकर्मक होता है उसे हम तीर के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसे तीर के राइट हैंड साइड लिखते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया करने का प्रोसेस है कि सदैव हम तीर के लेफ्ट हैंड साइड में अभिकर्मक को और तीर के राइट हैंड साइड में उत्पाद को, ये हो गया उत्पाद और ये है अभिकर्मक। यदि सामान्यतः अभिकर्मक दो या दो से अधिक हो तो कैसे लिखेंगे। यदि अभिकर्मक दो या दो से अधिक हो तो उसे भी हम रो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जितने भी अभिकर्मक होते हैं उन अभिकर्मकों के बीच में प्लस सिंबल लगाते हैं। ठीक है सही। प्रोडक्ट लिखते टाइम यदि प्रोडक्ट भी दो या दो से अधिक बन रहा हो तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बीच में भी प्लस सिंबल लगा रहता है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक ताप अथवा दाब हो तो उसे तीर के ऊपर अथवा नीचे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कैल्सियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो वह कैल्सियम ऑक्साइड वह कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो चूंकि हम इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हीट कर रहे हैं इसलिए जैसे कि हमने बताया कि यदि उत्प्रेरक ताप और दाब अभिक्रिया में उपस्थित हो आता हो तो उसे हम तीर के ऊपर अथवा नीचे लिखते हैं। इसलिए हमने हीट को नीचे से दर्शा दिया जो गर्म करने को संकेत करता है, गर्म करने की तरफ वो मूव करता है, बताया कि हम इस प्रोसेस को गर्म करते हैं। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ये अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक है, इसलिए इसे लेफ्ट हैंड साइड में। और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म करते हैं वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने लगता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यह दोनों गर्म करने के पश्चात बना हुआ मुख्य उत्पाद। ठीक है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में भी दिया गया कि जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस को निकल अथवा पैरेडियम धातु की उपस्थिति में मालिब्डेनम निकल मालिब्डेनम की उपस्थिति में निकल धातु निकल उत्क्रमण की उपस्थिति में वो मालिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जानना जरूरी है, यह निकल उत्प्रेरक है, मालिब्डेनम वर्धक है। उत्प्रेरक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाना और वर्धक का कार्य होता है रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना। अर्थात सिद्ध से एक शब्द बोला तो निकिल इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का कार्य करता है और यह मालिब्डेनम निकिल की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले फैक्टर को वर्धक कहते हैं। ठीक। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कैसे अभिक्रिया कर रही हैं निकिल उत्प्रेरक और मालिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में। तो हमने कहा कि उत्प्रेरक ताप और दाब वगैरह इन्हें तीर के ऊपर नीचे लिखते हैं तो निकिल और मालिब्डेनम को हमने ऊपर लिख दिया नीचे लिख सकते हैं। और टेम्परेचर चूंकि यहाँ पे 200 लगभग 200 वायुमंडलीय दाब 200 बार प्रेशर कार्य करता है तो कैटलिस्ट और प्रेशर को हमने ऊपर नीचे कर दिया और चूंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हमने राइट हैंड साइड में लिख ये राइट हैंड साइड में सदैव प्रोडक्ट लिखा जाता है। तीसरे में भी वही प्रोसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों भी रिएक्टेंट हैं आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चूंकि दो रिएक्टेंट हैं दोनों के बीच में प्लस लगा दिया और इन दोनों ने अभिक्रिया करने के पश्चात पुनः दो और उत्पाद बनाए कैल्शियम सल्फेट और सल्फेट। अगली चीज
रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखने के पश्चात पदार्थों की अवस्थाओं को सामान्यतः गैस के लिए स्मॉल जी, ठोस के लिए स्मॉल एस और गैस के लिए इस लिक्विड के लिए स्मॉल एल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। और इन पदार्थों के पीछे जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड है इसे स्मॉल एस ऐसे इसके नीचे लिख देंगे स्मॉल एस। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है इसे भी ऐसे लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। अब गैस का एक सांकेतिक तौर पे इस गैस का फंक्शन होता है कहीं से भी यदि गैस निकलता है तो वह ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए आपको जहां भी गैस मिलेंगी वहां पर तो हम गैस को रिप्रेजेंट करेंगे ही स्मॉल जैसे छोटे रिप्रेजेंट करके। उसके अलावा जहां भी हमें गैस मिलेगा वहां ऊपर की तरफ रो दर्शा दूंगी ये ऊपर जाता हुआ रो रिप्रेजेंट कर रहा है ये गैस है और गैस इस समय ऊपर जाती है सामान्यतः। दूसरा चीज यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस है तो स्मॉल जी लिखेंगे। हाइड्रोजन भी गैस है यहाँ भी स्मॉल जी लिखेंगे। अमोनिया भी गैस है तो यहाँ भी स्मॉल जी लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेटिक फॉर्म होता है ये भी याद रखिए। यदि कोई पदार्थ जल में घुला है तो जल में घुले हुए पदार्थ के लिए ये टर्मिनोलॉजी एक्यू एक्वेटिक अर्थात जलीय लिखते हैं। H2SO4 ये लिक्विड फॉर्म होता है इसलिए इसे एल। कैल्शियम सल्फेट साल्ट है और ये जल के साथ बन रहा है जो जल में घुला हुआ होता है इसमें कैल्शियम सल्फेट जो जल में घुला है इसके लिए एक्यू और चूंकि जल लिक्विड इसलिए है। तो यहाँ पे गैसों के और पदार्थों की अवस्थाओं को संकेत करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए चार एब्रिविएशन फॉर्म दिए गए हैं संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। गैस के लिए स्मॉल जी लिखते हैं, द्रव के लिए ब्रैकेट में स्मॉल एल लिखते हैं, ठोस के लिए ब्रैकेट में एस लिखते हैं स्मॉल एस। और यदि कोई पदार्थ जल में घुला हुआ हो अर्थात जलीय हो तो उसके लिए ब्रैकेट में एक्यू लिखते हैं एक्वेटिक लिखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहला चीज हम बताते हैं कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि पदार्थ न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। एक नियम था 9th क्लास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये लेवासी नियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम में बताया गया कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन हमने बताया था कि रेडियो धर्मी तत्वों के लिए यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं होगा इसलिए हम रेडियो एक्टिविटी या उससे संबंधित अभिक्रियाओं पे इसका फॉलो नहीं करेंगे। बाकी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वे सभी अभिक्रियाएं लगभग द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं और यही सबसे अहम तथ्य है समीकरण को संतुलित करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही पदार्थ को निर्मित किया सकता है और ना ही उसे नष्ट किया सकता है। दोनों पक्षों में अभिकर्मक और उत्पाद दोनों पक्षों में पदार्थ की जो मात्रा है वो सदैव समान होती है। तो इसी आधार पर द्रव्यमान संरक्षण को हम ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो एक हम अनबैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं, सबसे पहले एक रिएक्शन लिख रहे हैं जो बैलेंस है जैसे कि ये जिंक धातु ठोस है इसलिए यहाँ पर स्थिति प्लस जैसे इसे किसी हम जैसे कि माना हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो जिंक धातु का जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बनाता है
जीडीएम SO4 प्लस H2O3 गैसेस में जीडीएम। इस रिएक्शन में अगर हम देखें और द्रव्यमान संतुलन के नियम को समझें तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक का एक परमाणु है, इस प्रोडक्ट वाले साइड में भी जिंक का केवल एक परमाणु है, यहाँ H2SO4 में हाइड्रोजन के दो परमाणु बन रहे हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन बंध रूप में यहाँ उपस्थित है। अगला सल्फर का एक परमाणु, जिंक सल्फर में सल्फर का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का चार परमाणु और इस पक्ष में भी ऑक्सीजन के चार परमाणु उपस्थित हैं, अर्थात यह पूरा रिएक्शन द्रव्यमान संतुलन के नियम का पालन कर रहा है। तो किसी भी रासायनिक संतुलन को संतुलित करने के लिए हमें द्रव्यमान संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए और रखना भी पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अर्थात रीट और दूसरा यहाँ राइट हैंड साइड अर्थात प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पक्षों में यदि सभी परमाणुओं की संख्याएं समान हैं, बराबर हैं, तो वह रासायनिक समीकरण पूर्णतः संतुलित है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है, यह समीकरण पूर्णतः संतुलित है। अब आगे हम एक अनबैलेंस रिएक्शन को लिखते हुए सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, आपके इस क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वह है हीट एंड प्रायोरिटी, हीट एंड इसी विधि के द्वारा हम किसी भी अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर हम नियम आपको बताएंगे हीट एंड ट्रायल का कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो रिएक्शन में आया कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर जो काम है इसके लिखने का वो आप चाहे तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं या फिर बाद में लिखिएगा जब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हीट ट्रायल में सबसे पहला काम क्या है कि हम चेक करेंगे कि क्या यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संतुलन के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ चेक करेंगे यहाँ पे आयरन का केवल एक परमाणु का है और यहाँ पे तीन, अर्थात यहाँ पे एक है यहाँ तीन है, सिर्फ इसी परमाणु हम देख जान सकते हैं कि दोनों पक्षों में लोहे की परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है, अतः यह द्रव्यमान संतुलन के नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरा फैक्ट, यहाँ ऑक्सीजन का केवल एक एटम है और यहाँ पे चार, यहाँ पे दोनों पक्षों में एकदम इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है। बाकी अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। चेक कैसे करेंगे, वही द्रव्यमान संतुलन के नियम के अनुसार दोनों पक्षों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का कैलकुलेशन करेंगे, यदि दोनों पक्षों में बराबर परमाणु नहीं है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यदि बराबर परमाणु है इक्वेशन बैलेंस है। अब यहां हम सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल विधि का जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि इन सभी कंपाउंड्स या जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक बड़े बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, सभी तत्व या यौगिक को
बॉक्स में बंद है, बॉक्स में बंद करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम बॉक्स बंद करते हैं, इस एफ ई को भी बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक ऐसे ही एच टू को भी बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक Fe4 को भी और H2 को भी हमने बॉक्स में बंद कर दिया। हीट एंड ट्रायल का पहला टॉपिक, पहला नियम कि सभी तत्व अथवा यौगिक को बॉक्स में बंद कर देते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड अर्थात रिएक्टेंट अथवा राइट हैंड साइड अर्थात प्रोडक्ट किसी भी साइड का कोना हो। दूसरा फैक्ट क्या है हीट एंड ट्रायल का, दूसरे थ्योरी में बताया गया, इसका प्रोसेस में बताया गया कि इन बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे पहले बात सुना है और अगला क्या है, बॉक्स के अंदर आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने में जो तीसरा प्रोसेस है वो है कि अभिकर्मकों और उत्पादों में उपस्थित सभी तत्वों का सूची बनाते हैं, तो क्या करना है, अगला प्रोसेस है लिस्ट तैयार, सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सूची कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया सीरियल नंबर, यहां पे लिखते हैं तत्व का नाम, दूसरा अभिकर्मक में तत्व की परमाणु की संख्या, अभिकर्मक में परमाणु की संख्या और अंतिम तालिका में होगा उत्पाद में परमाणु की संख्या, बड़ा इजी प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर में पहला यहां देखते हैं तत्व तो कौन कौन सा है, Fe, तो पहला तत्व है यहां पे Fe, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तो दूसरा हो गया हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट इसमें क्या दिख रहा है ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट हो गया इसमें ऑक्सीजन, इस साइड में भी Fe O एंड F। अब अगला प्रोसेस क्या है, यहां पे दिया गया है कि अभिकर्मक अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित इन सभी तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे Fe की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में एक है, तो यहां पे Fe की संख्या लिखी है, दूसरा हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या इस साइड में लिख रही है दो, और ऑक्सीजन की भी संख्या है एक, ऐसे सभी एलिमेंट के सामने उसके एटम की संख्या लिख देंगे। अगला इस राइट हैंड साइड में अर्थात प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में संख्या का कैलकुलेशन करें, तो यहां पे Fe की संख्या कितनी है तीन, तो यहां पे Fe की संख्या हो गई तीन। अगला हाइड्रोजन की संख्या यहां पे दिख रहा है दो, और ऑक्सीजन की संख्या टोटल है चार। अब इस लिस्ट से भी सूची से भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में दोनों साइड में उपस्थित तो सभी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अर्थात इक्वेशन बराबर नहीं है। आगे का प्रोसेस क्या है, हम इन दोनों पक्षों में उपस्थित जो सबसे बड़ा कंपाउंड होगा, सबसे बड़ा कंपाउंड वो होगा
जिसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या केवल चार तीन सात की है, यहाँ पे दो और एक तीन की है, अर्थात ये वाला जो कंपाउंड है ये सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक। तो सूची तैयार कर ली। सूची तैयार करने के पश्चात अगला रूप क्या है, जो सबसे बड़ा यौगिक है इसी को देखते हुए हम बाकी सभी समीकरणों को संतुलित करते हैं। यहां क्या होगा, सबसे बड़े यौगिक, हमने सबसे बड़ा यौगिक क्या है अभिप्राय बता दिया, सबसे बड़ा यौगिक वह होगा जिसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक कैसा, बाकी सभी इतनी संख्या नहीं है, अतः सबसे बड़ा यौगिक इसमें होगा Fe3O4। तो अगला यौगिक क्या है, सबसे बड़े यौगिक से समीकरण संतुलित करते हैं। अगला, आप समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, तो उसके लिए सीधा सीधा प्रोसेस है, वही आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, द्रव्यमान संतुलन का नियम जिसमें बताया गया कि दोनों पक्षों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, ना ही पदार्थ को नष्ट किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में उपस्थित जितने भी एटम हैं उनके नंबर को बैलेंस करने हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखना है, यहाँ पे कुल संख्या तीन ही है, यहाँ भी तीन होनी चाहिए, यदि हम इसमें इंटू थ्री कर रहे हैं क्या होगा, ये संख्या और ये संख्या बराबर होगी, यहाँ भी तीन यहाँ भी तीन। अब चूंकि हमने दूसरे नंबर में कहा था कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते लेकिन बॉक्स के बाहर तो कर सकते, इसलिए यहाँ पे इंटू थ्री किया और इस बॉक्स के बाहर हमने थ्री लिख दिया। अब आप आओ यहाँ भी एफ की संख्या तीन हो गई और यहाँ भी एफ की संख्या तीन हो गई। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है चार, यहाँ ऑक्सीजन कितना है एक। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यदि यहाँ वन में फोर का मल्टीप्लाई करना है वन इंटू फोर, तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा फोर के, अर्थात जैसे ही ऑक्सीजन में चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणु संख्या चार और इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु संख्या चार। अब यहाँ हम इस बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते इसलिए हम चार इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। अब आप पाओगे कि यहाँ तो ऑक्सीजन की संख्या चार हो गई लेकिन हाइड्रोजन की कुल संख्या चार पर आठ हो गई। अब यहाँ पे हम पाएंगे कि अभिकर्मक में हाइड्रोजन की कुल संख्या हो गई आठ। अब क्या करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन साइड में ऑक्सीजन की कुल संख्या सॉरी हाइड्रोजन की कुल संख्या हो गई आठ लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन की कुल संख्या है दो। इसके लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस जहां पे संख्या अधिक है उसी के अनुसार हम दोनों को मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। यदि इस टू में भी हम फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा एट। तो हमें क्या करना है, अब इस हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की उत्पाद वाले कारण में चार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये उत्पाद का हाइड्रोजन है, इसमें बॉक्स के बाद हम चार लिख देंगे। अब आप पाओगे कि इस तालिका में सभी तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर चेक करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या सॉरी यहाँ पे तीन है, हाइड्रोजन की संख्या तीन सॉरी Fe की संख्या तीन और यहाँ भी Fe की संख्या तीन, यहाँ हाइड्रोजन H की कुल संख्या अभिकर्मक में आठ है और उत्पाद में भी इसकी संख्या आठ, यहाँ ऑक्सीजन की कुल संख्या अभिकर्मक में चार है और उत्पाद में भी चार। अब यहाँ चेक करिए Fe3 हाइड्रोजन कितना 4×2H और यहाँ 4×2H, ऑक्सीजन भी यहाँ कितना है फोर है, ऑक्सीजन भी फोर है। अब अगला प्रोसेस पांचवें नंबर का चेक करने का काम, चेक करते हैं कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या
बराबर है या नहीं। अब पावी के सेक्शन में लिक्विड और द्रव दोनों उपस्थित तक जो जितने भी एटम हैं उन सबकी संख्याएं बराबर। यदि संख्याएं बराबर है दोनों पक्षों में, अभिकर्मक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या बराबर है, तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। अब उसमें कोई काम नहीं करना, पूर्णतः संतुलित हो गया। यदि बैलेंस नहीं होता तो पुनः चेक करते, पुनः बैलेंस। आगे एक और लिक्विड ट्रंक का एक और प्रोसेस है, छठा नंबर, वो ये है। जैसे हमने लिखने बताया था कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यदि उसमें गैसों की अवस्थाओं में ठोस हो उसके लिए स्मॉल एस, द्रव हो तो स्मॉल एल, गैस हो तो स्मॉल एस, और यदि कोई पदार्थ जल में घुला हुआ ग्रीन हो तो उसके लिए एक्वेटिक एक्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे वो काम बचा हुआ है जिसको आप करोगे। छठा नंबर क्या है, अवस्था लिखना, अवस्था लिखना। अवस्था लिखते हैं, यहां पे लोहा है कि लोहा ठोस होता है, यहां पे लिख दिए एस, एच टू ओ द्रव है, इसके लिए लिखेंगे एल, एफ ई ओ को ये भी आपका ठोस अवस्था होता है, इसके लिए एस, हाइड्रोजन गैस है इसलिए एच टू जी, और चूंकि गैस सदैव हमारे वायुमंडल में ऊपर की तरफ रखते हैं इसलिए इसे हम ऊपर की तरफ हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया संतुलन को संतुलित करने की विधि, हीट एंड ड्राइव।